फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ फ्राइड मोदक की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम एक टेबलस्पून घी गरम करेंगे। इसमें हम 1.5 कप घिसा हुआ नारियल डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 कप गुड़। अब हम गुड़ पिघलने तक इसे चलाते रहेंगे। गैस को हम धीमे आंच पे ही रखेंगे। अब ये गुड़ पिघल रहा है, इसका पानी सूखने तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए, अब इसका पानी सूख गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसके छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक कटोरी में 1 चम्मच चीनी को हम घोल लेंगे। तैयार करने के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून घी मिला लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। में हम इसमें 1 चुटकी नमक भी डाल लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे चीनी वाला पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अभी आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर उसे हम बेलेंगे। इसे हमें ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इसके साइड्स पे हम पानी लगा देंगे जिससे ये अच्छी तरह से सील हो जाएगा। अब हम बीच में स्टफिंग रखेंगे और साइड से प्लेट्स देते हुए इसे हम सील करेंगे इस तरह से। इसी तरह हम सारे मोदक को बनाकर तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। फ्लेम को हमें लो मीडियम पे ही रखना है। हम इसमें मोदक को तल लेंगे।
हमें सुनहरा होने तक तल लेना है। अब ये मोदक सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। मोदक बनकर तैयार है।